ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं, हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिले हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। हमारा सफर कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य ही है। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश की प्रमुख समस्याएं गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, कुशल उत्पादन एवं वितरण सिर्फ समाजवादी तरीके से ही की जा सकती है। एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी शक्ति का संचार किया है जो लोगों के अंदर सदियों से निष्क्रिय पड़ी थी। राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम, शिवम, सुंदरम से प्रेरित है। अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। अच्छे चरित्र निर्माण करना ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए।